दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई में भारत की प्रतिष्ठित दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की कर्तव्यगार और मोस्ट टैलेंटेड वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय जयश्री काटकर मैडम का आगमन हुआ था। हमारे विद्यार्थियों को बहुमूल्य मार्गदर्शन करने के बाद उन्होंने अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई के बारे में जो गौरवशाली स्टेटमेंट दिया, वो सुनते हैं उन्हीं की जुबान से। मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे कि मैंने स्पीच में भी कहा कि जब मैं यहाँ एंटर की तो मेरे को ये लगा था कि कोई आईटीआई जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया और इनका एग्जीबिशन हॉल देखा या इनोवेशन लैब देखा तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये मैं कौन सा इंस्टीट्यूट में आई हूँ कि जहाँ इतने सारे स्किल्स डेवलप है, बच्चे इतने इनोवेटिवली काम कर रहे हैं, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनके बारे में सचमुच जितनी तारीफ करें कम है। तो आईटीआई इंस्टीट्यूट के बच्चे अगर इतना ज़्यादा इनोवेशन कर सकते हैं तो ऐसे युवा पीढ़ी के चलते हमारा देश वाकई आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने अपने स्पीच में भी कहा या मैं हमेशा कहती आ रही हूँ कि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और कोई भी सोचता नहीं कि मेरे बच्चे को बाकी स्किल भी आना चाहिए। आज का स्किल सेट देखिए तो देर इज अ वी कैन से बिग गैप ऑफ स्किल सेट्स, और आपको प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक ये सब मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और ऐसे टाइम में अगर ये इंस्टीट्यूट बच्चों की स्किल डेवलप कर रही है जो कि आज का वर्ल्ड में बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और इसके लिए जो आईटीआई स्किल यहाँ डेवलप हो रहा है और उसके लिए जो मैनेजमेंट प्रयास कर रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं कई साल पहले आईटीआई पनवेल के मैनेजमेंट बोर्ड पे थी जब वो पीपीए कंसेप्ट चलती थी, और मैंने कुछ आईटीआई देखे हैं, लेकिन ये आईटीआई देखने के बाद मेरे को लगा ये बहुत ही डेवलप इंस्टीट्यूट है और जो बच्चे यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं वो खुद नसीब है। तो साथियों, ये गर्व की बात अपने दोस्तों को भी प्रभावित करेगी, इसलिए ये वीडियो अपने पहचान के लोगों को शेयर करें। हमारे अगले वीडियो तक आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।